ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सन। स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी। श्री श्याम कुमार गोयल जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखी दी मदद करना आप जी दा सुभा सी। आप जी दे कीर्त ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी श्री श्याम कुमार गोयल जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 15 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए गरुड़ पुराण पाठ जी दे भोग 11 अक्तूबर दिन एतवार लक्ष्मी नारायण मंदिर लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानणा पाया गया अते सभना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती गई। श्याम कुमार गोयल जी अपने पिछे अपने समूह परिवार नूं सदीवीं विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वल्लों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद कीता गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। देवी स्वरूप माताओं, बहनों, प्रभु प्रेमियों, आज बड़े दुख की बात है कि हम सभी स्वर्गीय श्री श्याम गोयल जी को शोक श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। बनता कुछ नहीं, मनुष्य अगर हजार वर्ष तक भी रोता रहे तो भी गया हुआ प्राणी लौट करके दिखाई देने वाला नहीं है। यदि अवश्य होने वाले भावों का कोई उपाय होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी, युधिष्ठिर जी ये दुख ना पाते। ये संसार मृत्यु लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो भाइयों, इस मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये जो काल है ये पृथ्वी को फूंक देता है, समुद्र को सुखा देता है, सुमेरु पर्वत को बिखेर देता है, तो हम लोग क्या हैं? ये काल माता के गर्भ में पलते हुए शिशु को खा जाता है। बताइए इसकी क्या गलती है, क्या बिगाड़ा है? बालक को मार डालता है, युवा को मार डालता है, वृद्ध का तो कहना ही क्या है। क्यों करता है मेरा मेरी, कौन सी वस्तु है इसमें तेरी, हो जाएगी एक दिन स्वाहा की ढेरी। ये सब यहीं रह जाता है भाइयों। धन के लिए आदमी कितना छटपटाता है। कई लोग तो विदेशों में दिन रात घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं धन के लिए, पर ये धन जिस तिजोरी में रखा है वहीं रह
जाता है। भाई बंधु शमशान से लौट करके आ जाते हैं, जो कि एक मिनट भी नहीं रह सकते भाई के बिना, हैं? वो शमशान से लौट करके आ जाते हैं, पुत्र शमशान से लौट करके आ जाता है, मनुष्य के साथ उसके शुभ और अशुभ कर्म ही साथ जाते हैं, भगवान का नाम ही साथ जाता है। स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी, जैसा कि उनका नाम था, परमात्मा ने उनके अंदर गुण भी विद्यमान किए हुए थे। ये परिवार लुधियाने का प्रतिष्ठित परिवार है, धार्मिक परिवार है। आदमी के साथ केवल और केवल धर्म जाता है। शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा से ही हम सबकी रक्षा हो पाती है। बहुत बड़ी क्षति हुई है, मुझे कुछ बातें उनके चरित्र पर याद आ रही है। वो कैसे इंसान थे, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, रोते हुए को हंसाना है जिंदगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के काम आना है जिंदगी। जो भी मैंने बातें कही वो स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी पर घटित होती थी। वो बड़े धार्मिक थे और दूसरों के काम आने वाले थे, मिलनसार थे, प्रभु के अनन्य भक्त थे, पर बनता कुछ नहीं। 28 सितंबर 2020 को उनकी अचानक मृत्यु हो गई, वो काल के बस में हो गए। हम सभी यहाँ पर जो आए हैं, हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, इनको अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि प्रत्येक संयोग के बाद वियोग होना अवश्य।
और जब लेने भी आता तो ये चमड़ी भी उधर लेता, साथ में कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक ही चीज जाती, प्रभु का सिमरन, राम नाम।
सकता।
गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवी स्वरूप माताओं, बहनों, प्रभु प्रेमियों, आज बड़े दुख की बात है कि हम सभी स्वर्गीय श्री श्याम गोयल जी को शोक श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। बनता कुछ नहीं, मनुष्य अगर हजार वर्ष तक भी रोता रहे तो भी गया हुआ प्राणी लौट करके दिखाई देने वाला नहीं है। यदि अवश्य होने वाले भावों का कोई उपाय होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी, युधिष्ठिर जी ये दुख ना पाते। ये संसार मृत्यु लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो भाइयों, इस मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये जो काल है ये पृथ्वी को फूंक देता है, समुद्र को सुखा देता है, सुमेरु पर्वत को बिखेर देता है, तो हम लोग क्या हैं? ये काल माता के गर्भ में पलते हुए शिशु को खा जाता है। बताइए इसकी क्या गलती है, क्या बिगाड़ा है? बालक को मार डालता है, युवा को मार डालता है, वृद्ध का तो कहना ही क्या है। क्यों करता है मेरा मेरी, कौन सी वस्तु है इसमें तेरी, हो जाएगी एक दिन स्वाहा की ढेरी। ये सब यहीं रह जाता है भाइयों। धन के लिए आदमी कितना छटपटाता है। कई लोग तो विदेशों में दिन रात घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं धन के लिए, पर ये धन जिस तिजोरी में रखा है वहीं रह जाता है। भाई बंधु शमशान से लौट करके आ जाते हैं, जो कि एक मिनट भी नहीं रह सकते भाई के बिना, हैं? वो शमशान से लौट करके आ जाते हैं, पुत्र शमशान से लौट करके आ जाता है, मनुष्य के साथ उसके शुभ और अशुभ कर्म ही साथ जाते हैं, भगवान का नाम ही साथ जाता है। स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी, जैसा कि उनका नाम था, परमात्मा ने उनके अंदर गुण भी विद्यमान किए हुए थे। ये परिवार लुधियाने का प्रतिष्ठित परिवार है, धार्मिक परिवार है। आदमी के साथ केवल और केवल धर्म जाता है। शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा से ही हम सबकी रक्षा हो पाती है। क्षेत्र में उनके चले जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुझे कुछ बातें उनके चरित्र पर याद आ रही है। वो कैसे इंसान थे, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, रोते हुए को हंसाना है जिंदगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के काम आना है जिंदगी। जो भी मैंने बातें कही वो स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी पर घटित होती थी। वो बड़े धार्मिक थे और दूसरों के काम आने वाले थे, मिलनसार थे, प्रभु के अनन्य भक्त थे। पर बनता कुछ नहीं, 28 सितंबर 2020 को उनकी अचानक मृत्यु हो गई। वो काल के वश में हो गए। हम सभी यहाँ पर जो आए हैं, हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, इनको अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि प्रत्येक संयोग के बाद वियोग होना अवश्यंभावी है। कवि मार्मिक शब्दों में कहता है कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला
कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त, ये दुनिया नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पर जाना तो सभी ने भाई। भगवान कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है उसको जाना है। पर जाने जाने में भी फर्क है। कुछ लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर इतने सत्कर्म करते हैं, इनके चले जाने के बाद भी इनकी समाज में जो है खुशबू जो है फैलती रहती है। यहीं से पता लगता है कि आज कितने धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक लोग जो है स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े गणमान्य लोग जो हैं आए हुए हैं। यहीं से पता लगता है कि वो कितने मिलनसार थे। पर बनता कुछ नहीं है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। जो प्राणी आया है उसको जाना अवश्यमेव है। पर जाने जाने में भी फर्क है। कुछ लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर इतने सत्कर्म करते हैं कि वो भगवान के धाम में जाते हैं। ऐसे ही हमारे बीच स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी थे, बड़े धार्मिक थे। और मैं विश्वास से कहता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में यही बतलाया गया है, जो जीव धार्मिक होता है, जो भगवान का भजन सुमिरन करता है, दान करता है, धर्म करता है, भगवान कहते हैं ऐसे जीव जो है मेरे धाम में आते हैं। और नरकों में भी बताया गया कि नरकों में कौन जाता है, जो लोग नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक लोग जो है नरकों में जाते हैं, और जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे धाम में आ जाते हैं। जाना तो सभी ने, पर ये चॉइस हमारी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार दुखाल्य है। दुखाल्य, आल्य मीन्स घर, पुस्तक आल्य, पुस्तकों का घर। और ये संसार क्या है? दुखाल्य, दुखों का घर। आप इसमें जितना मर्जी विचरण कर लो, जितना मर्जी प्रेम बढ़ा लो, इस संसार में आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुखों का घर है। जो वस्तु किसी के पास है ही नहीं, वो आपको कैसे दे सकता है? सुख अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें सत घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शरण में गए बिना हमको कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। ये सूत्र श्याम जी को पता था, इसीलिए वो जो है अपनी बाल्यावस्था से ही भगवान, माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि भगवान के चरणों से वे जुड़े हुए थे। और जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है वो भगवान के धाम में जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इनके लिए इनके घर पर श्री गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया। उनके सपुत्र सौरभ गोयल जी ने श्री गरुड़ पुराण की कथा को विधि विधान से श्रवण किया। श्रवण ही नहीं किया, जो इसमें बतलाया है उसके अनुरूप क्रिया कर्म की। हमारा दायित्व क्या है पुत्र का? हम लोग सोचते हैं कि आदमी चला गया, नहीं, पुत्र का दायित्व ये है कि जीते जी अपने माता पिता की सेवा करे, और मरने के बाद अपने धर्म के अनुसार उनका अधर्म दैहिक क्रिया करे, उनकी क्रिया विधि विधान से करे। वही पुत्र कहलाने योग्य है। जो पुत्र अपने माता पिता की क्रिया नहीं करता, धर्म शास्त्रों में लिखा है, वो पुत्र विष्ठा के समान है। और जो पुत्र अपने माता पिता की क्रिया शास्त्रोक्त विधि से करता है, जैसे कि सौरभ जी ने की, और उनका दायित्व भी बनता है करना,
ऐसे पुत्र को जो है पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा लगाने का जो पुण्य मिलता है वो पुत्र को प्राप्त होता है। किससे? केवल अपने माता पिता की विधि विधान से, क्रिया करने से। अर्थात जिसने कभी चारों धाम नहीं किए समझ लो, उसको 7 बार चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों, ये बड़े विधि विधान से धर्म शास्त्र के अनुसार उनके सुपुत्र ने क्रिया की। उनके चले जाने से उनकी धर्म पत्नी कविता गोयल जी पर भी पहाड़ों का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 1 पहिया अगर ना रहे तो ये गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलती है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। उनके चले जाने से भाई मंगत राय गोयल जी पर भी दुखों का पहाड़ आ पड़ा है, क्योंकि भाई भाई की बाजू होती है। अगर एक बाजू ना रहे तो मनुष्य असहाय हो जाता है। भाभी प्रवीण गोयल जी को भी बड़ा दुख हुआ है। भाभी रेणु गोयल जी को, पुत्र सौरभ गोयल जी को, पुत्र वधु रिधिमा गोयल जी को, पुत्र पर दुख होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि मात पिता के जीवित होते पुत्र को कोई चिंता नहीं होती। वो निश्चिंत होता है कि माता जी हैं, पिता जी हैं, अपने आप कर लेंगे जहां जाना है। पर इन पर भी जो है बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस सौरभ गोयल जी को भी जो है ये दुख सहन करने की शक्ति दे। पुत्री काजल थापर जी, दामाद साहिल थापर जी को भी बड़ा दुख हुआ है। भतीजा अमित गोयल, ऋतु गोयल जी, सुमित गोयल, शीनू गोयल जी को, प्रीति गर्ग और रोहित गर्ग जी को भी बड़ा भारी दुख हुआ है। रितिका अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, रुचि गोयल और सुधांशु गोयल जी को भी स्वर्गीय श्री श्याम कुमार गोयल जी के चले जाने से बड़ा भारी दुख हुआ है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुख सहन करने की इस परिवार को शक्ति दे। गोयल परिवार, थापर परिवार और गर्ग परिवार और अग्रवाल परिवार को जो बड़ा भारी दुख हुआ है, हे परमपिता परमेश्वर, इनको ये दुख सहन करने की शक्ति देना। ओम शांति ही शांति ओम। अब जो है रसम पगड़ी होगी और साथ ही आरती होगी। ये श्रद्धांजलि देने और बड़े गणमान्य लोग सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं परिवार की ओर से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब साथ में आरती पर पाते दुख में
एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ।